नमस्कार, आज हम अगली GS की क्लास करेंगे जिसमें हम अर्बन यातायात पॉलिसी के बारे में समझेंगे। अब अर्बन यातायात एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है आजकल, क्योंकि बहुत सारे शहरों में जैसे हमने देखा है कि शहर फैलते जा रहे हैं। अब जब शहर फैलते हैं तो वो किसी भी दिशा में फैल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं, एक टर्म काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल। अर्बन स्प्रॉल का मतलब ये होता है कि आपका शहर किसी भी दिशा में फैल सकता है। अब अगर शहर किसी भी दिशा में फैल रहा है तो हमने जैसे बनाया है यहाँ पर डायग्राम कि इधर थोड़ा फैला है, इधर बहुत ज़्यादा फैल गया है, क्योंकि अब शहर के फैलने की दिशा हमें पता नहीं है, इसकी वजह से हम वहाँ पर कोई भी प्लान डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो फलस्वरूप क्या होगा, सब लोग अपने अपने व्हीकल्स रखेंगे क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वहाँ तक ढंग से पहुँच नहीं पा रहा है। तो इसके चलते ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम बढ़ेगी तो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी, प्रदूषण की प्रॉब्लम बढ़ेगी, और लोगों को ज़्यादा जो प्रोडक्टिव टाइम है व्यक्ति का वो किस में ख़त्म हो जाएगा, वो कम्यूट करने में ख़त्म हो जाएगा। अगर हम दुनिया भर की स्टैटिस्टिक्स समझें तो लगभग 25% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है वो सिर्फ अर्बन ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है, और 30% लोग जो शहरी एरिया में ट्रांसपोर्टेशन काम में लेते हैं वो सिर्फ अपने काम के क्षेत्र पे जाने के लिए काम में लेते हैं। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको कुछ कॉमन सॉल्यूशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मेट्रो रेल हो सकती है, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, जैसे लोग पैदल चल के या साइकिल के द्वारा अपने काम की जगह पर पहुँच सकते हैं, इसी तरीके से BRTs है काफ़ी सारे शहरों में। तो बोगोटा जो कि कोलंबिया में है, वहाँ के मेयर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि जो शहर या जो जगह या जो देश विकसित है उसका प्रमाण ये नहीं है कि कितने आम जनता वहाँ पर गाड़ी खरीद सकती है, उसका प्रमाण ये है कि कितनी अमीर जनता वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकती है। तो आजकल का जो सारा हमारा फोकस है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, कारपूल करें, ताकि दोनों चीज़ें हों, एक तो ट्रैफिक सिस्टमैटिक या सुचारू रूप से चले और दूसरा प्रदूषण या पॉल्यूशन की समस्या से हमें निजात मिले, ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम से हमें निजात मिले। अब बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। पहला तो हम बोलते हैं कि हमें लेस कार डिपेंडेंट लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, मतलब हमें कार का उपयोग कम करना है, हमें क्लीनर फ्यूल्स की तरफ जाना है, हमें फ्राइट और लॉजिस्टिक्स जो हमारा यातायात की चीज़ें हैं उसमें जो माल जाता है उसको देखना है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को सेफ बनाना है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं तो हम किन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो अलग अलग देशों ने दुनिया भर में बहुत सारी स्टडीज़ की और उसके ज़रिए भारत ने एक फाइनली अपनी पॉलिसी बनाई जिसको नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जिसको TOD पॉलिसी भी कहा गया। ये TOD पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर इससे पहले हम समझते हैं कि लैंड वैल्यू कैप्चर क्या होता है और वो इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब जो लोकल अर्बन बॉडीज़ हैं उनके पास अपने फाइनेंसेस धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो फलस्वरूप क्या होगा कि उनको अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी डेवलप करनी पड़ेगी। तो अगर किसी क्षेत्र में एक रिंग रोड का विकास हुआ है या कोई भी एक सड़क का विकास हुआ है तो सरकार उसमें पहले क्या करती है कि उस ज़मीन पे उस एरिया में विकास किया और सरकारी फैसिलिटी सबसे पहले वहाँ पर आ गई, तो एक छोटा हॉस्पिटल आ गया, छोटा एक विद्यालय आ गया और ये सारी चीज़ें आ गई। अब धीरे धीरे सरकार आसपास की ज़मीन प्राइवेट ओनर्स को देती है, धीरे धीरे वहाँ पर सड़क बनने के बाद विकास बढ़ता है और विकास बढ़ने से यहाँ की जो लैंड वैल्यू है उसकी प्राइस बढ़ती है। तो अर्बन बॉडीज यहाँ पर इम्पैक्ट फीस चार्ज करती है। इम्पैक्ट फीस का मतलब होता है कि जो इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से फीस, तो जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे उनको तो सिर्फ इम्प्रूवमेंट चार्जेस देने हैं, पर जो भी नया डेवलपमेंट आता है उसको पूरी इम्पैक्ट फीस देनी है। इम्पैक्ट फीस हर साल लगेगी, लगभग 16 से 20 वर्ष तक इसका समय निर्धारित किया गया है, तो उतने समय तक उस अर्बन बॉडी को फाइनेंस मिलेगा यहाँ से, और क्योंकि अर्बन बॉडी को वहाँ से फाइनेंस मिलेगा वो उस फाइनेंस को सड़क बनाने में, सैनिटेशन में, पार्क्स बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में यूज़ कर सकती है।
तो ये एक माध्यम है जिसकी वजह से जो अर्बन अथॉरिटीज हैं वो अपनी एक इनकम का सोर्स जनरेट करती हैं। तो सबसे पहले लैंड क्रिएशन होता है, फिर सॉरी वैल्यू क्रिएशन होता है, फिर उस वैल्यू को कैप्चर किया जाता है और फाइनली उस वैल्यू पे स्पेंड किया जाता है उसमें, और उस जगह में डेवलपमेंट किया जाता है। तो इसी के चलते एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी हम लाए हैं जिसको हम बोलते हैं नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब लैंड वैल्यू में आपकी एक तो इम्पैक्ट फीस हो गई, उसके अलावा भी बहुत सारी फीस हो सकती है। जैसे अगर मेरे पास कृषि की ज़मीन है उसको मुझे कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं वन टाइम फीस दूंगी। दूसरी तरफ मेरे पास एक वेकेंट ज़मीन पड़ी है तो मैं वेकेंट लैंड टैक्स दूंगी, पर वो रिकरिंग होगा, वो मुझे हर साल देना पड़ेगा। कुछ टैक्स एरिया बेस्ड होते हैं, कुछ टैक्स प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। तो ये अलग अलग टैक्सेस की लिस्ट है जिसके द्वारा जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। अब हम आते हैं नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी। इसको समझना बहुत ही सरल है, हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। यहाँ पर ये आपकी एक मेट्रो लाइन जा रही है। अब सबसे पहले क्या हुआ, जितना भी डेवलपमेंट हुआ इस मेट्रो लाइन के आसपास हुआ, तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हम मेट्रो के आसपास करेंगे। उस क्षेत्र को हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस जोन। इसका मतलब है कि व्यक्ति पैदल चल के या साइकिल के द्वारा अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें ला सकता है, फल दूध चावल उसको आसपास के इलाकों में मिल जाएगा, उसको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो उसको पैदल जाके मिल जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो हमने नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी में की वो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। मतलब व्यक्ति अगर अपने घर से मेट्रो में बैठा है तो वो लास्ट पॉइंट पे उतरेगा जहाँ पर वो वॉकिंग डिस्टेंस में सारी चीज़ें कवर कर सकेगा। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है इस क्षेत्र के एकदम नज़दीकी क्षेत्र में कॉम्पैक्ट हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, तो हायर फ्लोर एरिया रेशियो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ रहने की जगह मिलेगी, पॉपुलेशन या जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, तो आपको हर तरीके के लोग हर तरीके का काम करने के लिए वहाँ पर अवेलेबल होंगे। दूसरा फायदा ये है कि सोसाइटी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब सब तरीके के लोगों को वहाँ पर रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिल सकते हैं। इसी के थोड़ा दूर, ये तो हो गया जो आपके गोल क्षेत्र में दिखाई दे रहा है इन्फ्लुएंस जोन के बाहर, वो हो गया आपका कॉम्पैक्ट एरिया। कॉम्पैक्ट एरिया के थोड़ा दूर आपका मिक्स्ड लैंड यूज पॉलिसी होगा, जहाँ पे आपकी ओपन स्पेसेस होंगी, स्कूल्स कॉलेजेस पार्क्स हॉस्पिटल्स ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये आप फीडर बस के द्वारा ड्रॉप ऑफ फैसिलिटीज़ के द्वारा इनको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जो इसमें उठाया जा रहा है वो है इंक्लूसिव हाउसिंग। इंक्लूसिव हाउसिंग का मतलब ये है कि जो 10 से 15% बिल्टअप एरिया इस क्षेत्र में होगा वो EWS या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व्ड होगा। लगभग 30% एरिया जो होगा वो लेस देन 60 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र का होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एरिया में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके रेफरेंस में समझी हैं। तो जैसा कि हमने बात कही, यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम में लेंगे, तो प्राइवेट व्हीकल्स काम में कम लेंगे, फलस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, प्रदूषण कम होगा, जो सड़कें हैं उस पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम कंजेशन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, जो पार्किंग की समस्या है वो कम हो जाएगी। तो ये सब आपस में एक मिला जुला जाल है जो कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। इन्फ्लुएंस जोन की हमने बात की, उसके बाद हाई डेंसिटी कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट होगा, मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट होगा, फिर कंपलसरी या इंक्लूसिव हाउसिंग की बात की हमने। एक और महत्वपूर्ण चीज़ इसमें मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन होगा, मतलब फिजिकल इंटीग्रेशन तो हो ही रहा है चीज़ों का, उसके अलावा इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन हो रहा है, फेयर चार्जेस का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो उससे आम आदमी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स हैं जो हम ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में बात करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पर घटित होगी वो ये है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे उनके लिए डेडिकेटेड एरियाज बनाए जाएंगे जहाँ पर वो अपने ठेले लगा सकते हैं। अब उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि वो ठेले जो होंगे वो ऐसी जगहों पे होंगे, या वो लारियाँ जो होंगी वो ऐसी जगहों पे होंगी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फुट ट्रैफिक जाता है, तो वहाँ पर उनको बेसिकली आई ऑफ द स्ट्रीट कहा गया है कि वो हमेशा सड़क पे निगाह रखते हैं, तो उससे सड़क पे जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है वो बहुत लेवल तक सॉल्व हो जाता है और काफ़ी से काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलता है।
इसी की तरह बहुत सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, ये आपकी जो करंट अफेयर्स के सेक्शन में अपडेट होगी वहाँ पर अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ पर रेफर कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे हैदराबाद को अपने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अवार्ड मिला था, इसी तरीके से चित्तूर ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया रोड सेफ्टी का, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हेलमेट नहीं है तो किसी भी टू व्हीलर में पेट्रोल नहीं भरा जाएगा। तो इस तरीके के जो डेवलपमेंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, रोड सेफ्टी को बढ़ाने में मददगार हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपन ने इस क्लास में समझी हैं। वीक 49 की हाइलाइट्स हमने ओकी साइक्लोन वाली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, और ये कुछ अपकमिंग लेक्चर्स हैं जो हम आगे की क्लास में करेंगे। आप इस चैनल पे बने रहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ भी सुझाव है या कुछ भी कॉमेंट्स हैं तो आप नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में अवश्य डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।